करा अबहियों से आपन पहचान सुगना पहचान सुगना राम नाम बिना मिली ना आराम सुगना। तो बहुत सारे उसमें भजन और आज स्वागत करता हूँ अपने भोजपुरी ए टू जेड पर। और आज बहुत ही अच्छे गायक खाकी गवैया जिसको कहा जाता है, क्योंकि बहुत लोग कम लोग को ये नाम दिया जाता है जो खाटी गवैया के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे में हमारे साथ में अमित उपाध्याय जो कि इनकी संघर्ष के लेकर काफ़ी चर्चा में रहा, लेकिन काफ़ी अश्लील कभी तो गाना इन्होंने गाया ही नहीं, ऐसा मैंने जितने भी गाना सुने हैं वो बहुत ही अलग गाना इनका सुनते हैं। कभी भी हारमोनियम पर बजते हैं तो हारमोनियम की एकदम लय अलग आ जाती है। तो हमारे साथ में अमित उपाध्याय जी हैं जो कि महुआ टीवी से काका को उसमें प्रोग्राम करने के बाद में और गाने एक से एक आते हैं। तो आज हमारे साथ में हैं, सबसे पहले स्वागत है अमित बाबू, क्या हाल चाल बा? नमस्ते प्रणाम। जितना भी लोग भोजपुरी ए टू जेड के देख रहे हैं बस सब कोई के गोड़ छुके गोड़ लगा था नहीं, और बहुत बहुत स्वागत बाप लोग के। हम ठीक बने रुआ बताएं किसान। पहले तो ये गाना कुछ हो जाए कौन ऐसा जो कि एकदम दर्शक एकदम गदगद हो जाए ऐसे गाना सुन के, क्योंकि आपके गाना सुनने का तेल क्योंकि रील्स पे और शॉर्ट पे देखा जाता है तो काफ़ी लोग पसंद भी करेला। तो कौन ऐसा गाना जो कि एकदम पारिवारिक हो और माई बेटी भी सुन सकें, ऐसे गाने जो आप दर्शक के लिए? वो गाना हम गले रहे आज से शायद 3 साल पहले या 2 साल पहले, गुड्डू भैया के लिखल है, मुन्ना भैया के म्यूजिक डायरेक्टर मुन्ना भैया हमने के कले रहे म्यूजिक ओकर, और कंपनी भूपेश भैया के म्यूजिक वर्ल्ड भोजपुरी। कि सहिया दुइयो दिन खातिर घर आ जाई जी, हमर मनवा के लाल साए राजा जी, हमर मनवा के ललसा पूरा जाई जी, सैया दुइयो दिन खातिर घर आ जाई जी। क्या बात है, कितना अच्छा आवाज़ आपका। और ये कर जैसे बहुत गाने हिट भी होते हैं, लोग अभी नए नए सिंगर आते हैं, आपने इतने छोटे बचपन से स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, कभी आपने सोचा नहीं कि मैं भी इतना गाड़ी हमको मिले कंपनी दे? बहुत लोग अभी पोस्ट करते मैंने आज गाड़ी लिया, मैंने ये लिया, मेरा गाना 10 मिलियन गया, लेकिन अमित उपाध्याय कितना सरल स्वभाव से रहते हैं, ये क्या राज है? कुछ बताना चाहेंगे कि आप इसी तरह घर के जुटे हुए माटी से जुड़े हुए हैं? बचपन से भैया गाँव ही रहल बानी, हमारे गाँवें सब परवरिश भइल बा हमार, तो गाँव के वो अलग ही विचार होला। हम अभी भी गाँव पे जाइला तो नॉर्मल मने घूमत रहिला, तो बहुत लोग बाहर से आवेला तो लोग जानला कि अरे अमित तो बहुत बड़ा गायक बड़े चाहे जो भी होके, तो उ लोग कहला ये अमित है गाँव में ऐसे जाता वैसे जाता, लेकिन पापा कहला कि तो गाँव ऐजा गली में घूमल बा, तो ऐजा कब हम जीन्स और जूता टाई मार के घूमब तब बुझाए कि हम ब्यास हैं। तो ये सब गांव से पापा बाबा जितना भी लोग बड़ बुजुर्ग के सब आशीर्वाद से बड़ी हमारा नॉर्मल रहे के मन करेला, और वो अभी देखनी अभी आई लोग अब तक कि बहुत हम नॉर्मल रहे के फिर हम रहिला, ज़्यादा झिट झट हमारा पसंद ना। हिट के बात कर जाते कल जाना, अभी बहुत से गाने ऐसे अश्लील गा के जो तुरंत 10 मिलियन 15 मिलियन एक मतलब 100 मिलियन मेरा गाना चल गया वो तुरंत जो है सब हाईलाइट हो जाते हैं। हमें तो उपाध्याय ऐसा कब बनना चाहे कि नहीं बनना चाहिए? जहाँ तक मिलियन के बात बा भैया, आजकल पैसों लगा के ढेर मिलियन आ जाता है। बहुत कंपनी के सुन ला कि गाना से पहले ही बात चला था कि 10 लाख लगा दे, तो सिंपल सी बात बा। अब बाकी अच्छा भी बा, कैसे कि आजकल हर गाना भोजपुरी ट्रेंड करता, बाकी पहले से काफ़ी सुधार भेल बा अश्लीलता के लेके भी, लेकिन बात ही बा कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कौन इंडस्ट्रीज में अश्लीलता नहीं है, पहला नंबर तो ही बा, लेकिन हर इंडस्ट्रीज में अश्लीलता भी बा और शुद्धता भी बा। शुद्धता ज़्यादा बा, अश्लीलता कम बा। ये चलते हमने के बात करे जाओ इंडस्ट्रीज में कि बड़ा अच्छा गाना आई, बड़ा बढ़िया पिक्चर आई, कंतारा भी आई रहे, केहू जानत रहे कंतारा इतना बवाल, मतलब अच्छा रहे उन लोग के काम म्यूजिक सारा चीज़ पकड़ के, और हमने में कहा ना कि अश्लीलते ज़्यादा बा और अच्छाइए कम बा। अच्छा रुआ जानते नो की हमारा लगता कि बॉलीवुड से ज़्यादा न्यूज चैनल डिबेट चैनल सब भोजपुरी में बा, इतर बा पता बा बानी बिहार आ रहा से पटना में तो मैंने एक और हब हो गई हब हो गई बटे। तो नॉर्मली बात बा कि उ लोग उहे गाना के बढ़ावा था लोग जो अश्लीलता बा कभी कहा ना। अच्छा हम इतना दिन से हम बचपन से गाते नू कोनो एगो यूट्यूबर के बताएं जो हमारे इंटरव्यू ले लो, चाहे चाहे हमारे गाना के बारे में बढ़ावा करके, हमारे तो बहुत गाना वायरल भी बिल बा,
लेकिन उ लोग के हम कहा था नहीं खाली कहला लोग अश्लील अश्लील बहुत लोग हम तो नाम ना लेवल चाहब बहुत ऐसा कलाकार बड़े कि हम नाम ना ले भैया स्टेज पर आलो तो कहला म्यूजिशियन से कि सुर पकड़ ली हम गावत हैं डायरेक्ट तो बहुत सारा चीज़ भोजपुरी में भी चल रहा है लेकिन हमनी के चाहते हैं जा हमनी के पूरा टीम हमनी के जितना हमारे आसपास के समाज बा कि अच्छा गीत के आगे ले जाए जा ठीक बा एक तरह से रह दी उनको लोग के जिए खाए दिए हमारा वैसे मतलब नहीं है लेकिन हमनी के अच्छा ही आगे जाए चाहें ठीक बा पवन सिंह भैया खेसारी भैया गावत रहे उनका लोग के चार गो अगर अश्लील आवत है मान के चली तो दू गो बढ़िया आवे के चाहिए खेसारी जी तो आपसे अच्छा तो नहीं गाते होंगे तो अरे देखिए सबका मेहनत है अपना अपना नहीं मेहनत की बात नहीं अगर कहा जाए हारमोनियम पे अगर बैठ के कहा जाए अगर बात किया जाए आपके गाने का तो आप कितना हमें जो सुर नहीं लगता था कि वो उतना अच्छा गा सकते चलिए भैया देखिए सब माँ सरस्वती का आशीर्वाद है उनमें जो है वो मेरे में नहीं है सिंपल सी बात है सबका अलग अलग जोन है तो हम यही बोल रहे हैं कि जो भी भैया लोग गायक है जो स्टार है जिनको बहुत ज़्यादा व्यू आता है वो ना चार अश्लील गाना तो उनसे रिक्वेस्ट यही है कि दो गाने अच्छे गाइए मेलोडी वाले अच्छा पहले के जो गाने आते थे बॉलीवुड में अगर कहीं गाड़ी में बैठिए ना और म्यूजिक सुनिएगा तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज का बताइए कोई ऐसा गाना जो भोजपुरी में जो म्यूजिक हो और रोंगटे खड़े हो गए हों कोई गाना ही नहीं बन रहा अभी कोई गाना नहीं है ये तो मैं भी मानता हूँ कोई गाना एक पवन भैया से उम्मीद रहती है कि कभी सैड सॉन्ग मार देंगे तो हो लग जाएगा कि हाँ आया गाना नहीं, उनका भी तो एक दौर था तो उसी तरह वो गाना गाते थे कि तो उनकी सैड सॉन्ग के लोग इंतजार करते थे सच्चाई बाप रे बाप हम गाना मैंने उनके पूरा वो एल्बम हमके याद बा हम पहला गाना पवन भैया के मतलब पहले से तो सुनते रहे लेकिन हमके उनका वो गाना ही रहे 2007 की 8 में कि खुल गई हमसे अब ना लजाली ओढ़निया वाली दू लाइन हो जा कि खुल गई हमसे खुल गईली हम से अब न लजाली सकिलिया वाली संग ही चाट छोला खाली सकिलिया वाली कि ओढ़निया वाले ऐसे ही टाइप का गाना था ओकरा बाद हमारे मूड में आयल कि अब हम भैया हमहूँ अब गाई तो ओकरा बाद अब वहाँ से सकिलिया वाले से अब आटा के लोई के टोई सफर कैसा देखिए क्योंकि ये डिमांड ऐसा लग रहा है कि दर्शक का डिमांड ऐसा है तो क्योंकि ये 18 साल वाले उम्र के बच्चे ही खाली सुन रहे हैं देखिए भैया बात ही बना कि 2008 2012 से लेके अभी तक के जो जमाना बनो बहुत तेज़ी से बदल गए डिजिटल के माध्यम से 2012 हम महुआ चैनल में रही हम पते ना रहे कि यूट्यूब का होला एगो हमारे गाना रहे ऊपर हम गए रहे होलिया में वाइट वाइट ड्रेस पहिर के ऐसे ना घूम सज समर के आ रंग भूलू कौन झोंक दी अरे मारे पिचकारी के हु होली हकलर कर दी उस गाने को एक नोटियाल दादा हैं उसमें काम पीआरओ में काम कर मतलब मॉनिटर जहाँ देखते थे वो रिकॉर्ड करते थे तो उन्होंने इसको यूट्यूब पे डाला था मैंने कि यूट्यूब होता क्या है तो फिर धीरे धीरे देखिए कितना तेज हो गया जब से जियो आया तो पूरा एकदम तहलका ही मचा रखा तो सब जमाने के हिसाब से गाने निकल रहे हैं ठीक है पवन भैया गाते हैं खेसारी भैया भी गाते हैं लेकिन अभी कुछ महीनों से अच्छे अच्छे गाने भी आए हैं जैसे तबला आया था नोट बरसे ला तोहरा नथुनिया पे पवन भैया का लाल घाघरा नया कंपोजिशन था राजा साड़ी से ताड़ी ये सब गाने बहुत अच्छे हैं ऐसा नहीं है लेकिन अब कुछ बारह सौ में दो चार गो अपन मारा तो सरकार लेकिन अभी तो बस ध्यान नहीं बदले ये सब आदमी को कहा जाए भैया हमारी ये कोशिश है कि हम जौन पर बानी हम वहीं पर रहें और अच्छा भी सुनने वाला लोग अभी पृथ्वी पर बा लोग ठीक बनो ठीक बा ओकर ज़्यादा संख्या बढ़े तो संख्या कौन बढ़े जौन गांव में जौन मजदूर लोग बट ठीक बा बहुत ज़्यादा संख्या बा लेकिन अच्छा गीत के भी सुनवैया बढ़े का अभी गाना भोजपुरी में बढ़िया गाना हिट हो जाला नॉर्मली क्योंकि तनिको खर्चा ना भई रहला अब 5,000 के 10,000 के गाना रहला लेकिन बहुत बड़ा अच्छा अभी एक रील पे भी गाना जैसे वो गाना एक केकरा से कहीं दिल के बतिया हो पुराना गाना जो है अभी बज रहा है सुने हैं आप नहीं तो नहीं सुने लेकिन अभी देख रहे हैं कि अभी रील्स पे ट्रेंड कर रहा है कि आवतानी राजा हम टेम्पू से पूरा बॉलीवुड के लोग भी बजा रहे हैं तो सारा भोजपुरी बढ़ रहा है दिनों पे दिन बस यही बहुत खुशी की बात है कि सब लोग अपना आने वाली प्रोजेक्ट की बात किया जाए कौन कौन से भी आने वाली प्रोजेक्ट के बारे में तो अभी बहुत सारा अभी अच्छा चल रहा है इंस्टाग्राम पे मेरे गाने भी पूरा एकदम ट्रेंड पे है दो चार गीत और बाकी अभी हम क्या करते हैं जैसे हम लोग देसी गायक हैं ना तो जो इंडियन जो म्यूजिक है जो वाद्य है हारमोनियम तबला ये सब में जो खनक आता है गाना गाने में ना बहुत मज़ा आता है ट्रैक का भी हो रहा है मना भैया के म्यूजिक के माध्यम से बाकी और भी कंपनी है म्यूजिक वर्ल्ड भोजपुरी अलंकार म्यूजिक तो अभी
प्रोजेक्ट आने वाला है। अच्छा, मतलब जो ऑफिशियल आपने बनाया है, जो ऑफिशियल आपने चैनल अपना खोला है, उस पर किस तरह के गाने आते हैं, और जो भी सुनना चाहें तो उस पर अगर अच्छे गाने अगर आते हैं तो किस टाइप का है, कुछ बताना चाहेंगे ऑफिशियल पर गाने आने? मेरे चैनल अमित उपाध्याय ऑफिशियल पे जैसे मैं लाइव गाता हूँ हारमोनियम तबले पे, तो सारे गाने आते हैं। उसके बाद जो एल्बम हम करते हैं, जो उसका भी अभी आया था राम नाम बिना, बहुत अच्छा भजन था उसको, हम लोगों ने उत्तराखंड में शूट भी किया था। बड़े उनके प्रोड्यूसर हमारे बड़े भैया शिव आनंद दुबे भैया, गोरखपुर के रहने वाले हैं, उनकी एक संस्था है दर अकस्मित, उनके द्वारा ये गाना पूरा उनके नज़रिए में हुआ था। उसके बाद वो गाना था धर्मेंद्र भाग भैया ने लिखा था, कर अब से आपन पहचान सुगना, पहचान सुगना, राम नाम बिना मिली ना आराम सुगना। तो बहुत सारे उसमें भजन अभी तो डाले हैं, बेटी पे डाले हैं, दो निर्गुण भजन डाले हैं, और बैक टू बैक अभी भैया से बस मुना भैया से बात चल रहा है, तो वही भैया को लेकर इसीलिए लखनऊ आए हैं। अच्छा, भैया से जो है प्रोजेक्ट पर बात चले, प्रोजेक्ट पर काम होता है, भैया बहुत सपोर्ट करते हैं लॉकडाउन के बाद से। मतलब ठीक है, हमारा 2016 से मैं आता जाता रहता हूँ गोरखपुर में, उसके बाद लॉकडाउन के बाद से जो मेरा स्पीड पकड़ा है मैं स्टूडियो गोरखपुर के यहाँ से, तो अभी तक अच्छा चल रहा है भैया। अच्छा चल रहा है, गोरखनाथ बाबा के आशीर्वाद से। नहीं, बहुत अभी बड़ा बड़ा काम करना है अभी तो। हाँ। बहुत लोग अभी तो न्यूयॉर्क अमेरिका कहाँ कहाँ से कॉल आते हैं कि सर का आश्रम कराना है। अभी हम लोग जिला जौनपुर में गए थे, जो अमेरिका के रहने वाले थे वो, मतलब यहाँ के, मतलब वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे जॉब करते हैं, उन्होंने आके स्पेशली बोला कि मुझे आप ही का गाना, मुझे कार्यक्रम करवाना है। क्यों था सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। इस गाने पे भी 50 के रील्स बन गए इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारा आशीर्वाद मिल रहा है और बहुत सारा कॉल भी आ रहा है बॉलीवुड से भी, तो अभी करेंगे ना कुछ, बस बहुत जल्द होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, दिल से धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे अमित उपाध्याय जी, और देखें कितनी बढ़िया बातें, और भोजपुरी इंडस्ट्री, क्योंकि कभी भी सुनना हो अमित उपाध्याय को सुनना हो तो अमित उपाध्याय ऑफिशियल पर जाकर इनके बढ़िया बढ़िया गाने सुन सकते हैं। तो ऐसे ही देखते रहिए भोजपुरी ए टू जेड, फिर मिलते हैं नए अभिनेता के साथ और नए सिंगर के साथ। जब तक के लिए कैमरामैन मुकेश के साथ अरविंद कुमार मौर्या, नमस्कार।